बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी होती है कि उनके कार लोन का ईएमआई कितना हो सकता है जो कि उन्हें हर महीने पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके कार लोन पे, जैसे कि 3 लाख रुपए का लोन या फिर 5 लाख या फिर 7 लाख रुपए के कार लोन पे आपका ईएमआई अमाउंट कितना हो सकता है, इसके साथ साथ आपको कितना टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपके पूरे लोन के टेन्योर में, और हम डिफरेंट लोन के टेन्योर को कंसिडर करेंगे, जैसे कि 1 साल या फिर 2 साल या फिर अगले 5 साल तक के लिए अगर आप अपना कार लोन लेना चाहते हो। ये कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपके लिए मेरी वेबसाइट पे कार लोन का ईएमआई कैलकुलेटर बनाया है जो कि आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चलेंगी, जैसे कि अगर आपका जो लोन का टेन्योर है आप उसको लंबा रखते हो तो उतना ही ज्यादा आपका जो कार लोन का इंटरेस्ट है वो आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि आपकी जेब से एक्स्ट्रा अमाउंट जाएगा अगर आपका लोन का टेन्योर है वो बहुत ज्यादा है। एक और चीज हमें ये समझ में आएगी कि जितना कम आप लोन का टेन्योर रखोगे उतना ही ज्यादा आपका हर मंथ का ईएमआई का अमाउंट बैठेगा दोस्तों। तो ये आपके इनकम या फिर आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है कि कितना ईएमआई अमाउंट आप एफोर्ड कर सकते हो, आपके लोन के अमाउंट पे भी डिपेंड करता है और इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करता है दोस्तों। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके कार लोन के अमाउंट पे आपको कितना हर महीने का ईएमआई अमाउंट पे करना पड़ेगा, टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा आपके लोन के टेन्योर में। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आपका जो कार लोन है उस पे आपका ईएमआई अमाउंट कितना होता है। तो यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है अगर आपका लोन अमाउंट 3 लाख रुपए का है और अगर आपका जो लोन टेन्योर है वो 1 साल का है तो आपका ईएमआई अमाउंट कितना होगा, उसमें आपको टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा 1 साल में और टोटल पे आउट कितना होगा, यानी कि टोटल इंटरेस्ट प्लस आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिया है वो कितना होगा, और इसी लोन अमाउंट के साथ अगर आपने 2 साल का लोन लिया तो आपका ईएमआई अमाउंट कैसे चेंज होता है, 3 साल 4 साल और 5 साल के जो टेन्योर्स है उस पे आपका कितना ईएमआई अमाउंट बन सकता है। इसके अलावा अगर आपने 5 लाख का लोन लिया तो उसका भी ईएमआई अमाउंट हम देखेंगे, 7 लाख के लोन पे भी हम ईएमआई अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट और टोटल पे आउट का जो कैलकुलेशन है वो हम देखने वाले हैं। तो कार लोन का ईएमआई आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो मेरी वेबसाइट का जो कैलकुलेटर है उसको यूज करके। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग। फिनकेल्सी ब्लॉग सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा finkelsey-blog.in जो कि मेरी वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर दोस्तों ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिखेगा तो आपको यहाँ पे आना है और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे मैंने कई सारे कैलकुलेटर्स आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन कैलकुलेटर, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं दोस्तों जो कि आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम यहाँ पे कार लोन का कैलकुलेटर यूज करेंगे जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे ही मैं कार लोन के कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूँ तो एक न्यू विंडो में हमारा कार लोन ईएमआई कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप बहुत ही आसानी से आपका जो ईएमआई अमाउंट है उसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको लोन अमाउंट डालना है तो सबसे पहले हम 3 लाख रुपए का लोन अमाउंट डालेंगे हमारे कैलकुलेटर में, तो ये 3 लाख रुपीज का लोन अमाउंट हमने यहाँ पे डाल दिया। अब दोस्तों इंटरेस्ट रेट कितना होगा तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपका कार लोन ले रहे हो। तो दोस्तों सिंपलिसिटी के लिए हम ये समझते हैं कि कार लोन का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 9% का है सालाना, तो हम 9% का इंटरेस्ट रेट को कंसिडर करेंगे और फिर टेन्योर इन मंथ्स यानी कि कितना लंबा आपका लोन चलेगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में हमारा 1 साल का लोन है तो यहाँ पे हम 12 महीने का जो टेन्योर है वो डालते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 26,235 रुपीज का आपका ईएमआई अमाउंट बैठता है, तो इसको हम कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों इतना ईएमआई आपको हर महीने पे करना पड़ेगा अगर आप 3 लाख का कार लोन ले रहे हो और 1 साल का आपने टेन्योर सेलेक्ट किया है। अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज कि आपका टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा, तो ये चीज भी आपको यहाँ कैलकुलेटर में दिख जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो टोटल इंटरेस्ट जो है 14,825 रुपीज का आ रहा है, तो यही सेम चीज हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब टोटल पे आउट यानी कि टोटल अमाउंट आप कितना पे करोगे, ये इंटरेस्ट तो बैंक को जाएगा एज अ प्रॉफिट, क्योंकि वो भी अपना जो प्रॉफिट है वो निकालेगी क्योंकि आपने उनसे लोन लिया है। तो 3 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट अमाउंट तो वो आपका टोटल पे आउट होगा और यही सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगा, टोटल अमाउंट आपका कितना बैठ रहा है 3,14,825 रुपीज का। तो दोस्तों ये सेम चीज को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं
हम प्रिंसिपल अमाउंट को लेंगे और फिर प्लस करेंगे ये जो टोटल इंटरेस्ट है इसको, एंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो सेम अमाउंट आपको यहाँ पे दिखेगा कैलकुलेटर में भी। और दोस्तों इस तरीके से हमारा जो ईएमआई अमाउंट है वो इतना आता है अगर हमने एक साल का टेन्योर कंसिडर किया और 3 लाख रुपए का हम कार लोन ले रहे हैं, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 9% का हमने कंसिडर किया है सालाना। अब दूसरे एग्जाम्पल में क्या होगा कि हमारा जो टेन्योर है वो बढ़ गया है, समझो हमें 2 साल का लोन का टेन्योर रखना है, तो हमें यहाँ पे आके सिर्फ यहाँ पे जो मंथ है उसको 24 करना होगा, तो अपने आप ही आपका जो ईएमआई है वो अपडेट हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हो 13,705 रुपए का हमारा ईएमआई होता है, तो हम इस चीज को कॉपी कर लेंगे यहाँ पे और टोटल इंटरेस्ट को भी हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे टोटल पे आउट का जो फॉर्मूला है हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो 3,28,930 रुपीज का हमारा टोटल पे आउट होगा। तो अगर आप एक चीज यहाँ पे देखो, आपका जो ईएमआई अमाउंट है वो तो थोड़ा सा कम हो गया है अगर आप लंबे समय के लिए अपना जो लोन का टेन्योर है उसको रखते हो, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ आपका जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ गया है। आप डबल इंटरेस्ट अभी पे कर रहे हो कम्पेयर टू जो आपने एक साल के लोन के टेन्योर में इंटरेस्ट पे किया था। एक एडवांटेज आपको इसमें ये मिलता है कि आपका जो ईएमआई अमाउंट है वो कम है, तो हर महीने जो आपको ईएमआई पे करना पड़ेगा वो कम होगा अगर आपने लंबे समय का टेन्योर रखा है। अब इसी प्रकार से हम 3 साल का लोन का टेन्योर कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे हम 36 मंथ्स डाल देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम 36 मंथ्स डाल देते हैं हमारा ईएमआई अपने आप आ जाता है। इस चीज को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और फिर टोटल इंटरेस्ट को भी हम कॉपी करेंगे यहाँ पे और फिर टोटल पे आउट का जो फॉर्मूला है उसको हम एक्सटेंड कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 3 साल का लोन के टेन्योर में आपका ईएमआई अमाउंट और कम हो गया लेकिन टोटल इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों यही एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप लंबे समय तक आपका जो कार लोन का टेन्योर है उसको रखते हो तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और इसी के हिसाब से आपका टोटल पे आउट जो है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू अगर आपने लोन का टेन्योर को कम रखा है। लेकिन दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इनकम या फिर सैलरी पे डिपेंड करता है कि आपको ईएमआई अमाउंट कितना रखना है। जितना ज्यादा आप ईएमआई अमाउंट रखोगे उतना ही कम आपको एज अ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। अब दोस्तों यहाँ पे बाकी के जो लोन अमाउंट है और लोन टेन्योर है उनके भी मैं क्विकली ईएमआई अमाउंट और टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे फील कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये बाकी के जो लोन अमाउंट है और टेन्योर है उनके लिए भी हमने यहाँ पे ईएमआई अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट और टोटल पे आउट अमाउंट कितना हो सकता है वो हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो बाकी के लोन अमाउंट्स है उसके लिए भी हमने ये सेम ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे नोटिस किए हैं कि टाइम के साथ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक साल के टेन्योर में 5 लाख का अगर आपका लोन अमाउंट है तो आपका 43,726 रुपीज का ईएमआई अमाउंट होता है। ये ईएमआई अमाउंट कम होते जाएगा अगर आपने जो लोन का टेन्योर है उसको बढ़ाया। जैसे कि आप देख सकते हो 5वें साल में आपका 10,379 रुपीज का ही ईएमआई रह जाता है। तो अगर आपने लोन टेन्योर 5 साल का रखा तो आपका इतना ईएमआई अमाउंट आएगा। लेकिन दोस्तों उसी प्रकार से आपका जो इंटरेस्ट है वो टाइम के साथ बढ़ते जाएगा। एक साल में आपको सबसे कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इस को लेकर और 5 साल में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपका 7 लाख का लोन है, अगर आप कोई सी अच्छी खासी गाड़ी खरीद रहे हो और 7 लाख की आपको कार लोन की जरूरत पड़ती है, 5 साल का आपका लोन का टेन्योर है, तो ईएमआई अमाउंट आपको 14,531 रुपीज का पड़ेगा लेकिन टोटल इंटरेस्ट जो आप पे करोगे 5 सालों में वो होगा 1,71,851 रुपीज और इसी के हिसाब से आपको वो 7 लाख रुपए भी वापस करने होंगे जो कि हर महीने ईएमआई के तौर पे आपकी जेब से निकलेंगे और उसी के प्रकार से आपका जो इंटरेस्ट है वो भी आपके ईएमआई में इंक्लूडेड रहेगा और इतना टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा जो कि है 8,71,851 रुपीज अगर आपने 7 लाख रुपीज का कार लोन लिया है 5 इयर्स के लोन के टेन्योर पे और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो हमने कंसिस्टेंटली पकड़ा है 9% का। अगर इंटरेस्ट रेट बदलता है तो हमारा जो लोन का टेन्योर है वो ऊपर या नीचे जा सकता है और उसी के प्रकार से हमारा जो टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी ऊपर या नीचे जा सकता है, डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये कार लोन ईएमआई कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आपका लोन का ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों इसी कैलकुलेटर के पेज पे मैंने कई सारे और भी डिटेल्स दी हैं जो कि आप रीड कर सकते हो ताकि आपकी और नॉलेज बढ़ जाए। अगर आप कार लोन लेना चाहते हो तो इन डिटेल्स को भी आप चेक कर सकते हो।
तो जैसे कि हमने देखा, बहुत ही आसानी से आप अपने कार लोन के अमाउंट पे ईएमआई कैलकुलेशन कर सकते हो। इसके अलावा मैंने कई सारे कैलकुलेटर्स मेरी वेबसाइट पे बनाए हैं, तो आपको जो भी कैलकुलेटर यूज करना है आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, जिसमें हम पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि सोच रहे हैं कि वो अपनी गाड़ी खरीदें कार लोन को यूज करके। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेयर सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।